जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि BHU स्टडी कैपिटल ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया था और दोबारा से रीस्टार्ट करने वाला है एक नए बैच के साथ। इस पर मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊँगा जो MA MSc ज्योग्राफी एंट्रेंस के लिए कोर्स है, तो जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल है, आपका मैपिंग सेक्शन है और वीकली टेस्ट होते हैं आपके। जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाते हैं उस तरीके से टेस्ट लिया जाता है ऑनलाइन मोड में, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा जा रहे हैं। MA एंट्रेंस जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस हुए हैं उनके प्लस NET JRF के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और आपका उसी के साथ ही टेस्ट के साथ बाद में डाउट सेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं और जो भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर लें। क्लास का वेट ना करें कि स्टार्ट होने के बाद ज्वाइन करेंगे, इट इज़ बेटर टू ज्वाइन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, ठीक है? क्योंकि आप क्लास ज्वाइन स्टार्ट करने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपका कुछ पार्ट है जो छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो आप क्या है पीछे का कवर करते रह जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है फिर आपको ना, एक बर्डन हो जाता है। इसलिए क्लास मतलब पहले से ज्वाइन कर लें, फिर आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, क्लास स्टार्ट होगी तो आप पहले दिन से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है रिमोट सेंसिंग, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको तीन सेक्शन में मैंने बताया है, कार्टोग्राफी था पहले, ठीक है, जहाँ पे मैप प्रोजेक्शन और सारी चीज़ें देखी गई थी। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन था, स्टेटिस्टिकल पार्ट था, जो कि अब रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरियल फोटोग्राफ की बात करें, जो रिमोट सेंसिंग से पहले एरियल फोटोग्राफी की बात करें तो एरियल फोटोग्राफ्स क्या होती हैं? द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यूजिंग अ प्रिसीजन कैमरा आर टर्म्ड एरियल फोटोग्राफ्स। तो सिंपल सा है कि जो भी फोटोज क्लिक की जाती हैं, जो कैमरा है उसको हवा में जब रखा जाता है, जब कैमरा एयर पे लाया करता है तो उसको बोलते हैं एरियल फोटोग्राफ्स, ठीक है। जैसे कि आप वीडियोज़ देखते हैं तो ड्रोन एक तरह का जो है वीडियो कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है, तो क्या है वो एरियल फोटोग्राफ है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आप जानते हैं, इट्स लाइक अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। जैसे चिड़िया होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो जिस तरीके का उनको एक नज़ारा दिखता होगा उसी तरीके का कुछ एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं। देन इट्स अ टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी, मतलब कि जो क्या है आप फ़ोटोज़ क्यों क्लिक की जाती हैं कि आप उस मोमेंट को याद रख सकते हैं आगे आने वाले समय पे, तो उस जिस मोमेंट में आपने फ़ोटो क्लिक किया है उस समय को वो वहीं पे फ्रीज़ कर देता है, स्टॉप कर देता है। कैपेबिलिटीज़ टू स्टॉप एक्शन मतलब जो डायनेमिक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे व्हीकल है वो डायनेमिक चीज़ है, ठीक है, मूव कर रहा है बुलेट्स ना, तो क्या है कुछ ऐसे डायनेमिक चीज़ें हैं उनको, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी फ़ोटो में स्टॉप करके दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसे तो उसका एक शॉट होता है ना, तो इसलिए क्या है इस जो है एक्शंस को स्टॉप कर देता है। इट्स अ 3D पर्सपेक्टिव, ओके, ब्रॉडेंड स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, ठीक है, जो आपका जो रेजोल्यूशन है उसके बारे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कलर्स हैं वो चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आगे बताएंगे इसके बारे में। देन यू हैव द टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स के टाइप क्या है, ठीक है, तो देर आर 3 टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैमरल एक्सेस, द वर्टिकल फोटोग्राफ, द लो ऑब्लिक फोटोग्राफ्स एंड द हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ्स क्या होते हैं? जब कैमरल एक्सेस क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर या 90 डिग्री है, ठीक है, जिस पॉइंट का फोटो ले रहे हैं उसके जब 90 डिग्री ही कैमरल एक्सेस है या कैमरा है, देन इट इज़ कॉल्ड आपका वर्टिकल फोटोग्राफ। इसमें अनइंटेंशनली मतलब आपके इच्छा के बिना, मतलब कि खुद ही एक क्या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर कह सकते हैं आप, ठीक है, जिस पे 3 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है कि कभी जैसे 93 डिग्री इंक्लाइंड हो सकता है कैमरा, कभी 87 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 88 89, ठीक है, इस तरीके का कुछ अनइंटेंशनली क्या है आपका इंक्लिनेशन होता है, इसलिए उसको टिल्टेड फोटोग्राफ्स भी कहते हैं, ठीक है। देन यू हैव द लो ऑब्लिक फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ, जो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ है, इसमें आपके इच्छा अनुसार आप व्हेन यू आर इंटेंशनली इन क्या है, आपका जो कैमरा एक्सिस है वो 15-30 degrees डेविएट कर जाएगा, ओके, फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, जो 90 degrees वर्टिकल एक्सिस है, व्हेन द कैम जब वो 30 से 15 से 30 degrees का क्या कहते हैं डेविएशन होता है आपके चाहने के हिसाब से, तो उसको लो ऑब्लिक बोलते हैं, एंड हाई ऑब्लिक व्हेन दिस इंक्लिनेशन इज अबाउट 60 degrees फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट ऑन द स्केल, स्केल पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, जो भी जब जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ये दिया है, ठीक है, 1:15,000 एंड 1:30,000 न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये बड़ी है, ठीक है, 30,000 बड़ी है, बट ये स्मॉल स्केल होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उतना ही स्केल स्मॉल या कम होते जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ओके, तो इसी पे हाँ ठीक है, ये है, तो सबसे पहला है आपका लार्ज स्केल फोटोग्राफ्स। लार्ज स्केल फोटोग्राफ क्या होते हैं, जब आपकी जो स्केल है वो 1:15,000 या उससे ज़्यादा होती है, मतलब आपका 1:4,000 हो सकता है, 1:5,000, 1:10,000, तो 1:15,000 या उससे ज़्यादा स्केल होती है, देन इट्स अ लार्ज स्केल फोटोग्राफ्स। देन मीडियम स्केल फोटोग्राफ्स व्हेन द स्केल लाइज बिटवीन द 1:15,000 एंड द 1:30,000, ओके, देन स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स when the scale is being smaller than 1:30,000, मतलब 1:30,000, 1:45 हो सकता है, 1:50, 1:1,00,000 हो सकता है, तो this is about the small scale photographs. Now the one most important thing of aerial photograph जो आपको याद रखना है, that is the photo elements, ठीक है, एक आप image interpretation करते हैं, एक image की जब study करते हैं, उसको interpret करते हैं कि क्या चीज़ें इसमें show की गई हैं, ये जो भी चीज़ें उसके बारे में बताते हैं, तो there are some elements you have to remember. The first is, first you have the tone. Tone पता है आपको, जो color है image का black and white हो सकता है, ठीक है, multicolored हो सकता है, तो this is about the tone, color है, ठीक है, जैसे green color दिखेगा तो आप समझ सकते हैं ये vegetation है, blue color दिखेगा तो it's a water body, like this. Then you have the texture, variation in tone, जब एक ही color में variation हो जाते हैं then it is texture, okay, like you have the green में भी अलग अलग shade हो जाते हैं, तो वो है आपका टेक्सचर। देन पैटर्न, पैटर्न इज देन अरेंजमेंट ऑफ टोन एंड टेक्सचर इन द इमेज, ठीक है, देन यू हैव द साइज, शेप, शेडो, एसोसिएशन, साइट, मतलब लोकेशन जो है, हाइट एंड डेप्थ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको एलिमेंट्स के नाम अच्छे से याद रखने हैं। देन कम टू द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है, अगर डेफिनेशन, तो सो डेफिनेशन क्या है रिमोट सेंसिंग को अगर डिफाइन करें तो दैट द एबिलिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन स्पेस विदाउट मेकिंग एनी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्या है, आप ओवरऑल क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे इसमें कलेक्ट हो रहे हैं, हो रही है, आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो उसके हेल्प से आप क्या है, जो जैसे सैटेलाइट है जिस पे सेंसर होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, तो उसके हेल्प से जो कि आपको स्पेस में सैटेलाइट और क्या है और अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पर रोटेट करती हैं, तो उनका उनके हेल्प से क्या है आप एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। जो टर्म है रिमोट सेंसिंग, जो शब्द है इसको जो सब पहले क्या है मिस एवेलिन प्रिट के द्वारा दिया गया है, ओके, तो ये भी याद रखना है आपको, जितने भी टर्म्स मैं बताते जाता हूँ जो कि बोल्ड या रेड लेटर से, रेड कलर से लिखे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एक टर्म पूछ लेता है एक एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, ओके। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग में, अलग अलग के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, यू हैव द ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि ग्राउंड बॉर्न होते हैं, मतलब कि हैंडल प्लेटफॉर्म होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे डिवाइस हैं जो कि आप खुद जो क्या है अपने हाथ पे कैरी करके अलग अलग डाटा कलेक्ट करते हैं, दीज आर द ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म, ओके। यू हैव टावर, टावर पे आपको कैमरा लगा है तो भी वो कैमरा क्या है, टावर क्या है, वो तो ग्राउंड पे ही से फिक्स्ड है, तो वो एक ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म है। ट्रिपॉड है, व्हीकल्स हैं, तो ये सब ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म है। देन यू हैव द एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म, एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म मतलब कि जो भी
क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है वो एयर पे लैंड कर रहा है, एयर पे है, हवा पे है, ठीक है। लाइक यू हैव बलून, यू हैव ड्रोन, यू हैव एयरक्राफ्ट, यू हैव हेलीकॉप्टर, तो दीज आर दी, यू हैव बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स का भी यूज़ होता था पहले, तो ये सब एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म है। देन यू हैव द स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म क्या है, जो कि इस जो प्लेटफॉर्म है, जो भी डिवाइस है, वो आपका स्पेस में, अंतरिक्ष में लाई करती है। लाइक यू हैव द यू हैव शटल, यू हैव सैटेलाइट, यू हैव स्पेस क्राफ्ट, तो दीज आर द स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग। तो स्टेजेस है, ये बेसिक सम एक्सप्लेन करने के लिए है, ऐसा ठीक है कि आपको इस समझ में आ जाए कि वर्क कैसे होता है। तो जो एनर्जी है किसी भी चीज़ के लिए, सबसे पहले जो वर्क इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। तो रिमोट सेंसिंग में एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन, ओके, या सेल्फ एनिमेशन। आगे एक्टिव पैसिव रिमोट सेंसिंग में बताऊँगा, तो उसमें देखेंगे आप। तो जो सन है, इट्स अ प्राइमरी सोर्स, ओके। देन यू हैव क्या है, जो भी अगर आप इसमें देखेंगे इमेज पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सन है, जो जहाँ से एनर्जी आ रही है, ओके। देन फिर क्या है, इट्स इट विल जो भी टारगेट है, लाइक यू हैव यहाँ पे वेजिटेशन है, बिल्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इसको सेंसर क्या है, इसको रेड करेगा या कलेक्ट करेगा, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ओके। तो इस तरीके का ही कुछ वर्क करता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, देन फर्स्ट यू हैव द सोर्स ऑफ एनर्जी, देन द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक जो आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है एनर्जी। देन दिस विल द एनर्जी विल इंटरेक्ट विद द अर्थ सर्फेस, ओके। देन इट विल रिफ्लेक्ट, देन द डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, जो भी रिफ्लेक्ट हुई है उसका क्या है, सेंसर डिटेक्ट करेगा उसको। देन इट विल कन्वर्ट इन टू फोटोग्राफिक या डिजिटल फॉर्म। तो इस तरीके से हम रिमोट सेंसिंग क्या है, वर्क करता है, ओके। डाटा कलेक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अभी तक बोल रहा था मैं जो, ओके। तो ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये देखें क्या है, ओके। यहाँ पे आपका दो चीज़ें याद रखने की है, किसी एक को आप याद कर लेंगे तो दूसरा खुद में खुद याद हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको देखना है कि लेमडा जो है, लेमडा इन द सेंस वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू दी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घटेगी। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ये भी थोड़ा सा बता दूँ एक बार आपको, ओके। ये आप देख रहे हैं एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में, इनको क्रस्ट कहते हैं, ओके, ये जो पीक्स हैं अपर, इनको क्रस्ट कहते हैं, दिस इज द ट्रफ पार्ट, ओके। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का जो गैप होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेवलेंथ कैसे घट बढ़ती जा रही है इस दिशा में ना, गामा रेज से रेडियो वेव्स तक आते आते वेवलेंथ बढ़ गई है। फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब फ्रिक्वेंसी यहाँ पे घटेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि मान लीजिए ये एक सेकंड का टाइम है, तो एक सेकंड में ये कितनी वेवलेंथ है, ठीक है, तो सॉरी एक सेकंड में ये कितना ऑसिलेट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं वेवलेंथ इस साइड देखें तो बढ़ती जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, कम होती जाएगी। सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, जिसको हम लोग हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, तो ये आपका है गामा रेज का हाई फ्रिक्वेंसी। फिर एक्स रेज है उससे थोड़ा सा कम, देन यू वी रेज हैं, देन यू हैव द इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। तो यहाँ पे आपको ये कुछ याद रखना है चीज़ें कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गामा रेज से रेडियो वेव जाते समय वेवलेंथ बढ़ती है, मतलब फ्रिक्वेंसी घटती है, सिंपल सी बात है। सेम यही आपको याद रखना है विजिबल लाइट पे। सबसे पहले विजिबल लाइट किसके बीच पे लाई करता है, बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है यूवी और इंफ्रारेड के बीच में विजिबल लाइट होती है आपकी, ठीक है। जो व्हाइट लाइट है ना, जिसमें 7 कलर होते हैं वेवक्योर वाला, तो वही। हाँ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे पहले क्या आपका आएगा इधर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, फिर इधर आएगा आपका रेड साइड जाएंगे, तो ये आपका है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आप देखें, लेट सपोज ये ब्लू है और यहाँ पे रेड, ठीक है, जो आरजीबी है ना प्राइमरी कलर, उनमें ही बात करें, और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ये है ब्लू की, मतलब फ्रिक्वेंसी हाई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, वो है रेड की, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी लो है। तो ये भी याद रखना है कि ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं,
ओके, देन कम टू दी रेजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार जो रेजोल्यूशन हैं आपके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग, रेजोल्यूशन क्या है, बहुत ही बेसिक तरीके से कहूँ, अगर आप लोग देखते हैं फ़ोटो क्लिक करते हैं या क्या है क्या अपने मोबाइल सेलफोन पे, तो आप बोलते हैं कि यार जूम करने पे इसकी फ़ोटो ब्लर हो जा रही है, इसके मेरे कैमरे की, उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, तो वही जो ब्लर हो जा रहा है या कितना क्वालिटी अच्छा है उसका, वही रेजोल्यूशन होता है बेसिक टर्म पे, ठीक है। ओके, जो कि पिक्सल पे चेक करते हैं, पिक्सल होते हैं आप, ठीक है, एक पिक्चर में बहुत सारे पिक्सल से बनता है पिक्चर, तो वही रेजोल्यूशन बताता है। चार तरीके के रेजोल्यूशन है, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट यू हैव द स्पेशियल रेजोल्यूशन, जो कि किस एरिया का पिक्चर है वो बताता है और उसकी डिटेलिंग बताता है, ठीक है, दैट इज़ अ स्पेशियल रेजोल्यूशन। फिर इसके बाद है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन टॉक अबाउट द कलर्स बैंड, ठीक है, कलर्स बैंड की बात करता है। ओके, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ होता है, ये कहीं भी पूछता है ये, तो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पे यूज़ होता है। देन यू हैव द टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ठीक है, आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, ओके, जो कि टाइम किस टाइम का है, कौन सा डे है या क्या है उसका टाइम पीरियड बताता है, दैट्स अ टेम्पोरल रेजोल्यूशन। देन यू हैव द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन विल टॉक अबाउट द कलर डेप्थ। ओके, तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग। ओके, देन वी हैव द सेंसर, ठीक है, सेंसर्स की बात करें तो आपका सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स होते क्या है, मतलब जो हमारे जैसे अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेंसर्स होते हैं ना, तो क्या है, किसी चीज़ को सेंस करते हैं, स्टिमुले को, मतलब जो भी चेंजेस हो रही है, जो भी स्टिमुले है उसको वो फील करते हैं, ठीक है, या जानते हैं। तो ऐसे ही सेंसर होता है, जो प्लेटफॉर्म है उसमें सेंसर फिट होता है और जो कि डाटा कलेक्ट करता है, यही मेन इंस्ट्रूमेंट है, सेंसर ही मेन इंस्ट्रूमेंट है। ये दो तरीके के होते हैं, पैसिव रिमोट सेंसर या पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो जैसा सेंसर होगा उस तरीके का काम है। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या है, इसका जो आपका जो सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो आपका है क्या है, वो है सन, ठीक है, मतलब इट डज नॉट एम्प्लॉय एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, सन ही इसका मेन सोर्स है। एक्टिव में क्या है, उसका खुद की एनर्जी होती है, खुद वो एमिट कर सकता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, ये याद रखना है। ओके, और फिर क्या है, जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है इसमें दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है, जैसे क्लाउडी वेदर है, ठीक है, कंडीशन सही नहीं है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन सही नहीं है, तो वो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन एक्टिव रिमोट सेंसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अनुसार वो एनर्जी एमिट करेगा, तो दैट इज़ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है, और सेटेलाइट ऑर्बिट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी है आपके सारे क्वेश्चन क्वेरीज वहाँ भी सॉल्व किया जाएगा। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं, जैसे आप इस आपको मैंने इस पे ही दिखाया, ये नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब भी जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्लास स्टार्ट होने का इंतज़ार मत करिए कि क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब जुड़ेंगे, आप लोग जुड़ जाएंगे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि क्लास पेमेंट कर दिया और फिर क्लास नहीं चलेगा, विश्वास करना होगा आप लोगों को भी। और या जो लोग बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, जिनको मैंने जिनका कंप्लीट किया, अभी टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उन लोगों का, तो आप अगर कोई उनको जानता है उनके फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो दैट्स इट अबाउट द रिमोट सेंसिंग। अब हम लोग जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।